नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीसीएस मार्गदर्शन के मोटिवेशनल खंड में। आज हम चर्चा करेंगे कठिन परिश्रम की। सफलता कड़ी मेहनत मांगती है। प्रिय साथियों, कोई भी यूं ही सफल नहीं हो जाता है, इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लगातार और बार बार। क्या हुआ अगर एक बार आप असफल हो गए, आपने प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास की, या आपका रोल नंबर मुख्य परीक्षा की लिस्ट में नहीं है, अथवा यह भी हो सकता है कि आपका नाम अंतिम चयन सूची में नहीं है। इतने में निराश और हताश होकर बैठ जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपने असफलता को खुद पर हावी हो जाने दिया, तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी और आपका उत्साह भी कम होने लगेगा। अपनी असफलताओं को खुद पर हावी होने मत दीजिए। अपनी असफलता को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमेशा चीज़ों को सकारात्मकता के नज़रिए से देखने का प्रयास करें, क्योंकि नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को छीन करता है और आपके कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। इसका सीधा सा मतलब इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता भाग्य और परिस्थितियों से मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हद तक असफलता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं और सफलता के लिए भी, क्योंकि सफल होने के लिए प्रयास और कड़ी मेहनत आपको ही करनी है। आपको अपनी असफलताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी सफलता के बारे में दूसरे लोग चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है। लोग आपसे आपकी असफलता के बारे में नहीं पूछते हैं। यह सवाल तो आपको अपने आप से स्वयं पूछना होगा। आपको यह भी जानना होगा कि दुनिया आपको मुफ्त में कुछ नहीं देती है, और सफलता जैसी बेशकीमती चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सफलता का आनंद उठाने के लिए कड़ी मेहनत करिए, और सभी को अपनी सफलता पर चर्चा करने के लिए या इसके बारे में बात करने के लिए विवश कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कठिन से कठिन परिश्रम का एक नया अध्याय पीसीएस मार्गदर्शन के साथ। धन्यवाद।